हेलो वेलकम यू ऑल गाइस। तो आज जो हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर्स के जो दूसरा लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक क्या होता है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऑलरेडी पहले भी अलग अलग फॉर्म में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आप उसे पैरेलली नोट करते जाइएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, तो ये बोलता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तब आपको पता है कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, राइट। हम लोग कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, द नंबर हैविंग फैक्टर्स एज अदर देन वन एंड इट्सेल्फ, राइट। दैट मीन्स जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट होगा, राइट। जैसे कि मैं 6 लिखता हूं तो 6 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो 1 और 6 के अलावे भी इसके दो फैक्टर हैं, तो इसीलिए 6 क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, 6 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, राइट। तो क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और अ फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस और अ फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट। जैसे कि सपोज दैट अपने को क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, जहां 2 क्या है प्राइम और 3 भी क्या है प्राइम है, राइट। सिमिलरली मान लीजिए आपको 16 लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, फैक्टराइज हमने किस फॉर्म में किया, एज अ फॉर्म ऑफ प्राइम्स। ये आपका क्या है प्राइम नंबर्स है, क्या है प्राइम नंबर्स, क्या है प्राइम नंबर्स, राइट। तो कोई भी नंबर हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32760, मैं एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ, राइट। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो जैसे सपोज दैट हम लोग लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3, राइट। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये आपको पता है, 32760, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 16380, राइट। फिर जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा 8190, फिर जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा 409, और फिर ये क्या हो जाएगा, राइट, तो 5। फिर जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 10, तो फिर 3 टाइम्स में लग जाएगा, राइट, 6 5, राइट। फिर इसको 3 से डिवाइड करो 4 5 5, फिर जैसे इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आ जाएगा 91, और ये फिर कितने से लग जाएगा 7 से 13 टाइम्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया, 5 7 एंड 13, इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 3, उसके बाद क्या होगा 5 into 7 into 13। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 क्या है प्राइम नंबर है, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम है, 7 क्या है प्राइम है, 13 क्या है प्राइम है, राइट। तो यहां से यही बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स ये अपना क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर, राइट। तो क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है, मतलब अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो इसके अलावे और कुछ नहीं आ सकता, राइट। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into 7 into 13, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखिए, हो सकता है कोई पहले 3 को लिख ले, कोई पहले 5 को लिख ले, कोई पहले 13 से ही लिख लेगा, वो उसका अपना अलग है, राइट, कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इतने नंबर्स ही आएंगे, राइट। अब किसी का मन है कि सर हम ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 का स्क्वायर into 5
इनटू मैं 91 लिख दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये प्राइम्स नहीं है, ये क्या है, प्राइम नहीं है। ये पता है ये 91 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, राइट। 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7, तो 91 खुद क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। दैट मीन्स अगर फैक्टर्स में ऑल प्राइम रहेगा, क्या रहेगा, ऑल प्राइम्स, अगर सारे के सारे प्राइम्स है तो वो हमेशा ही यूनिक रहेंगे, राइट, वो कभी बदलेगा नहीं। तो सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इस पूरे थ्योरम से वो कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको जब आप प्राइम के फॉर्म में फैक्टराइज करोगे तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, राइट, वो कुछ और नहीं हो सकता। अगर कंपोजिट को कंपोजिट के टर्म में हम फैक्टराइज कर दें, जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 32760 को मैं यहाँ 91 लिख देता, 5 के बाद डायरेक्ट क्या छोड़ देता, से 5 से हमने डिवाइड किया था, आपको दिख रहा है, तो 5 से जैसे हमने डिवाइड किया 91 आया, हम 91 ही छोड़ देते, तब ये खुद इधर क्या हो जाता है, कंपोजिट, तब ये दोनों अलग हो सकता है, यूनिक नहीं रहे, यूनिक मतलब क्या होता है, अकेला रहता है। दैट मीन्स अगर हम इधर सिर्फ प्राइम्स लेंगे, प्राइम नंबर्स ही लेंगे, राइट, किधर फैक्टराइजेशन में, तो वो ऑलवेज यूनिक रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा, राइट। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए 100 को लिखने बोल दिया जाए, तो आप 100 को कैसे लिखोगे, इसका यूनिक वे क्या लिखने का होगा, कि देखिए हम 100 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 50, लेकिन ये देखिए 50 प्राइम नहीं है, इसलिए ये यूनिक नहीं होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 25, फिर से देखिए तो प्राइम है लेकिन 25 प्राइम नहीं है, इसलिए ये भी यूनिक नहीं होगा, ये भी यूनिक नहीं है, ये भी यूनिक नहीं है, लेकिन इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखते हैं, तब देखिए ये क्या है, सारा का सारा प्राइम है, मतलब यूनिक, राइट। तो जैसे ही आप इधर सारे के सारे प्राइम लिखते हो तो ये क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन आता है, राइट। तो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं, क्या, जब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के टर्म में हम फैक्टराइज करते हैं तो वो क्या होता है, यूनिक होता है, उसमें और कुछ भी चीज़ें के चांसेस नहीं होते हैं, राइट। तो अब देखिए इसका हम अप्लीकेशन देखेंगे, राइट, कि अप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम, क्या थ्योरम का अप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसका यूज किस तरह क्या हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी में जाओगे वहां भी मिलेगा अप्लीकेशन, किस चीज का, ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड LCM एंड HCF। पहला पॉइंट क्या है कि आपको LCM और HCF फाइंड करने के लिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आएगा टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ सब, लाइक वैसे √2 है, √3 है, एट्सेट्रा। तो इस तरह के कोई जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, इसके प्रूफ में भी इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। तो आपको समझ में आया कि जो आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यहाँ पे हम लोग इसका दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, एक तो आप कैसे उसका LCM और HCF फाइंड करते हो, और दूसरा कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं √2, √3 जैसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, उस तरह के नंबर्स की इरेशनलिटी को भी हम लोग यहाँ प्रूफ करना सीखेंगे, राइट, जो कि अपना नेक्स्ट थ्योरम भी आएगा। तो चलिए हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, वेरी फर्स्ट, उसको हम लोग देखते हैं, टू फाइंड LCM एंड HCF। तो आपको पता है कि LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल क्या होता है, आप हिंदी में पहाड़ा जानते हो, राइट, जो हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से काउंट करते हैं, वही मल्टीपल होता है। तो जैसे ही अगर हम 2 का मल्टीपल लिखना हो तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। वैसे 3 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा,
थ्री होगा, सिक्स होगा, नाइन होगा, ट्वेल्व होगा एंड सो ऑन रहेगा, राइट। मल्टीपल आपको समझ में आ गया, कॉमन तो आप जानते ही हो, लोएस्ट मतलब क्या होगा, सबसे छोटा। चलिए हम एलसीएम का डिटेल्स में देखें। अब जैसे ही आपको दे दिया गया सपोज दैट एट एंड ट्वेल्व, एलसीएम ऑफ एट एंड ट्वेल्व, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपको एट का क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। तो एट का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? एट हो सकता है, सिक्सटीन हो सकता है, राइट, ट्वेंटी फोर हो सकता है, 32 हो सकता है, 40 हो सकता है एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम 12 का मल्टीपल लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट, फिर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और आगे लिखना चाहोगे तो ये 60 आ जाएगा, और आगे लिखोगे तो क्या होगा, 72 का। और इसी तरह से अगर हम इसको भी लिखते चलें ये क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, राइट, फिर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब क्या बोल रहा है, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहला तो कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, लोएस्ट हम बाद में देखेंगे। तो इसमें जो है एक आपको 24 यहां भी दिख रहा होगा, 24 यहां भी दिख रहा है, राइट, तो ये कॉमन है। नेक्स्ट अगर आप कॉमन चेक करोगे तो यहां देखिए क्या है, 48 है, और इसमें भी क्या है, 48 है, तो वो भी एक कॉमन है। फिर नेक्स्ट कॉमन देखोगे तो यहाँ पे 72 है, यहाँ पे भी 72 है, तो यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या है, अगर यहाँ हम बात करें कॉमन मल्टीपल की, तो कॉमन मल्टीपल में क्या है आपका, 24 है, 48 है, 72 है, आगे जाओगे सो ऑन मिलता रहेगा, राइट। तो इसमें अब क्या ध्यान रख ढूंढना है अपने को, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से क्या आएगा, 24, 48, 72 में क्या है, 24 है, दैट मीन्स इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, क्लियर है। ये तो बेसिक तरीका है एलसीएम फाइंड करने का। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे, राइट, ये आपका क्या था, मेथड वन होता है, राइट। अब अगर यहाँ पे हम बात करें मेथड टू की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एट का फैक्टर्स लिखते हैं, एट को अगर हम प्राइम के फैक्टराइजेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, राइट, इसी तरह से उसके क्या लिखेंगे, फैक्टराइजेशन को लिखेंगे। सिमिलरली अपने पास क्या आ गया, ट्वेल्व, ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, क्लियर है। तो दोनों को हमने क्या लिख दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट, जो कि अपना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो यहां ध्यान से देखो, अगर आपको लिखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो कुछ नहीं करना, जो कॉमन पार्ट है, से ये टू इंटू टू यहां भी है, टू इंटू टू यहां पर भी कॉमन है, राइट, तो जो कॉमन है उसको एज इट इज लिख दीजिए, टू इंटू टू। अब कुछ कॉमन आ रहा है, ये दो अलग है, ये तीन अलग, राइट, अब तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो अब जो अलग एक्स्ट्रा पार्ट बच गया यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, उसको अलग से फिर से लिख लीजिए, टू इंटू थ्री। तो इसको आप देखिए तो कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24, दैट इज योर एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग एलसीएम कैसे लिख कैसे रहे हैं, किस तरह से कॉमन फाइंड कर रहे हैं, राइट। अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लेता हूँ, जैसे सपोज दैट आपको दे दिया गया 18 एंड 24, अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो कि मेथड टू से निकालिए। 18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, वैसे 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू फोर, फोर इंटू राइट थ्री ट्वेल्व इंटू टू, तो राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू थ्री, क्लियर है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, तो देखिए कॉमन क्या है, 2 इंटू थ्री कॉमन है, 2 इंटू थ्री यहां पे भी, तो जो कॉमन पार्ट है उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, 2 इंटू थ्री। अब देखिए एक्स्ट्रा यहां पे 3 बच गया और यहां पे 2 इंटू टू बच गया, तो उसको भी लिख लीजिए, तो एक्स्ट्रा में 3 है, फिर 2 इंटू टू है, इसको जब हम निकालेंगे कितना होगा, 2 इंटू थ्री 6, 6 इंटू थ्री 18,
18 इंटू टू 36, 36 इंटू टू 72, तो यहाँ पे अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नॉर्मली जब आप ऐसे भी निकालोगे जो आप एलसीएम फाइंड करते हो किसका, 18 और 24 का, तो वहाँ से भी आपको वही तरीका आएगा, राइट। तो जैसे कि हम 18 का मल्टीपल लिखें, तो 18 का मल्टीपल क्या होगा, 18 होगा, फिर क्या होगा, 54 होगा, फिर क्या होगा, 72 एंड सो ऑन। और सिमिलरली 24 का लिखेंगे तो 24 होगा, 48 होगा, राइट, फिर क्या होगा, 72 होगा एंड सो ऑन। तो देखिए जो सबसे कॉमन मल्टीपल है, यहाँ पे भी 72 है, यहाँ पे भी 72, उससे पहले तो कोई कॉमन है नहीं, और उसमें भी लोएस्ट है, मतलब एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 72, जो कि हमने यहाँ पे निकाल के भी जस्ट देखा है, राइट। तो ये था आपको सबसे पहला, तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि किसका यूज करके, फैक्टराइजेशन मैथड से, राइट। इसमें आप, मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल और यहाँ पे कराता हूँ। सपोज दैट आप देखो थोड़ा सा ये हो जा रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अब आपको दे दिया गया, सपोज दैट मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे 12, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ सपोज दैट कि आपको 9, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 4, और 4 into 3 12, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3। तो यहाँ पे एलसीएम कैसा हो जाएगा, कॉमन देखिए क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक तो कॉमन है, ये 3 वाला पार्ट दोनों जगह क्या है, कॉमन है, तो उसको एक बार लिख लिए। अब रेस्ट बचा पार्ट किधर रह गया, इधर 2 into 2 और इधर क्या रह गया, 3, तो इसको लिख लीजिए 2 into 2 into 3। ये वैल्यू जब आप चेक करोगे, राइट, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 into 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 3 कितना हो जाएगा, 12 into 3 36, राइट। तो ऐसे भी आप निकालो 12 और 9 का एलसीएम तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है, सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, आपको एलसीएम फाइंड करना। नाउ उसके बाद हम लोग एक बार इसे लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस मेथड का यूज करके एचसीएफ को कैसे फाइंड करता है। तो गाइस जब अपने पास नेक्स्ट है वो क्या है कि एचसीएफ फाइंड करना, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, राइट। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 1, राइट, हमने देखा था पहला एप्लीकेशन क्या था कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना, और दूसरा क्या था, इरेशनलिटी प्रूफ करना था। हमने एलसीएम तो देख लिया कैसे फाइंड करते, चलिए अब हम लोग एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो इसमें जो 1 का बी पार्ट था वो क्या था, एचसीएफ। ये आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट एचसीएफ को हम लोग फाइंड कैसे करें, तो सबसे पहला फैक्टर, फैक्टर मतलब होता क्या है, अगर हम बात बोलते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर मतलब ये होता है सिंपली कि उसको हम लोग किस चीज से फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हम 4 लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम जो 6 लिखना हो, राइट, तो इसको फैक्टर अगर पूछा जाएगा कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो 4 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या खुद 4 ही होगा, राइट, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 6 की बात करेंगे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। सिमिलरली मान लो आपको 8 का फैक्टर लिखना है, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 8 खुद होगा। वैसे ही अगर हमको 10 का फैक्टर लिखना है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, क्लियर। फैक्टर अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग फैक्टर किसको बोलते हैं, और यहीं से डिफाइन होता है प्राइम नंबर, क्या डिफाइन होता है, प्राइम नंबर, राइट। तो क्या होगा, जिसका फैक्टर, फैक्टर ओनली 1 एंड इट्सेल्फ, वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 1 और वो नंबर खुद हो। जैसे कि अगर हमें लिखना हो 3 का, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और 3 सिर्फ होगा। 5 को लिखना है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा। आपको 7 लिखना है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 7 होगा ओनली। आपको 11 लिखना है, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 11 सिर्फ होगा, राइट। वैसे ही अगर मान लो आपको 13 लिख दिया गया तो इसका फैक्टर क्या लिख सकते हो, 1 और 13 के अलावा किसी से डिविजन नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपको 17 लिखना है तो ये क्या लिख सकते हो, 1 और 17 सिर्फ इसी से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये जो आपका नंबर्स है वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। लेकिन 1 और इट्सेल्फ के अलावे जो सब नंबर्स हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे, आपके
कंपोजिट नंबर, क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर टर्म समझ में आ गया। अब है आप बताओ कॉमन फैक्टर, तो जैसे कि इन दोनों के 6 और 4 की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 क्या है, दोनों जगह कॉमन है, या इवन जितना भी हम देख रहे हैं 2 क्या है, सब जगह कॉमन है, राइट। अगर आप 4 और 8 में देखोगे तो 2 के अलावे एक और नंबर कॉमन है, 4 है। इस तरह से कॉमन फैक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, जैसे सपोज दैट आपको दे दिया गया 8 और 12, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखना है, 8 का क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 4 और 8, बस यही होगा। अगर हमको 12 को लिखना है क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, राइट। तो देख रहे हैं 2 और 2 और 4 क्या है, दोनों जगह कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से अगर अपने को लिखना हो कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 और 4, क्लियर है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 और 4 हो गया। नाउ अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या बोल दिया जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में देखिए 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है, 4, दैट मीन्स जो अपना एच सी एफ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड, इससे अगर सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग एच सी एफ किसको बोलते हैं, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक बेसिक मेथड होगा, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ रखा होगा 8 और 12 का फैक्टर एच सी एफ निकालना, हम लोग क्या करते थे, 8 से 12 को डिवाइड करते थे, 1 टाइम्स में लगा 8, रिमाइंडर 4, और यहाँ से फिर क्या करते थे हम लोग 8 को डिवाइड कर देते थे। तो 8 को ये कितने टाइम में डिवाइड कर पाएगा, 2 टाइम्स में, राइट। 8 हो गया, इस बार रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो यही आपका क्या हो जाता था, एच सी एफ क्या हो जाता था। ये आपने बिल्कुल ही इनिशियल्स 0 क्लासेस में ये सारी चीज़ें एच सी एफ एल सी एम पर रखी होंगी। ये कॉमन मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है, हमने उससे भी देखा एच सी एफ कैसे फाइंड होता है। तो अब जो अपने पास ये है थ्योरम, जो 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, इसका यूज करके हम लोग एच सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो चलिए वो वाला पार्ट देखते हैं, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यहाँ एप्लीकेशन कैसे यूज करोगे, तो अब यहाँ चीज़ों को समझो ध्यान से कि अपने को अर्थमेटिक क्या बोलता है, कि किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो उसको उसका यूनिक तरीका होता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। तो सेम नंबर लेते हैं हम लोग 8 और 12, राइट। आपके पास 8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 4 into 3, राइट, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा जाए कॉमन क्या क्या है, अगर यहाँ पे हमसे कॉमन की बात की जाए, राइट, या कॉमन फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन, तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन फैक्टराइजेशन हमने किया है, 2 into 2 यहाँ पे भी है, 2 into 2 यहाँ पे भी, राइट, ये कॉमन दिख रहा है, बाकी तो और कुछ है नहीं कॉमन। इन दोनों के फैक्टर में क्या कॉमन है, 2 into 2 2 into 2, दोनों जगह सेम है, राइट। बट अब एक्स्ट्रा जो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वो तो अलग हो गया। कॉमन फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 into 2, राइट, दैट इज़ योर 4, तो यही आपका क्या हो जाता है, एच सी एफ, राइट, क्लियरली। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा, जबकि ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगर इसी को कोई ऐसा लिख देता 8 को 2 into 4, और 12 को कोई लिख दे सपोज इट कि 6 into 2, 2 into 6, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन सिर्फ 2 दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे एच सी एफ 2 हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, आपका कंपोजिट है, क्या है, इधर देखिए 4 क्या है, कंपोजिट है, इधर 6 क्या है, कंपोजिट। तो नोट करके आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि
कि जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, शुड बी इन प्राइम। तो फैक्टराइजेशन जब भी होगा तो उसको किस फॉर्म में करेंगे, प्राइम्स के फॉर्म में करेंगे, राइट। तभी जाके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने को अब एक एग्जांपल मैं यहां पे और ले ले रहा हूं, अगर मान लो आपको दे दिया गया एचसीएफ ऑफ सपोज एट 36 एंड मैं ले ले रहा हूं 81, 36 एंड 81, राइट, एक एग्जांपल है। तो अब बताओ हम यहां पे 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, राइट, 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, क्लियर है। और 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81। तो अगर इस दोनों को आप ध्यान से देखो तो कॉमन क्या है, यहाँ 3 इंटू 3 और यहाँ भी कॉमन क्या है, 3 इंटू 3 है, बाकी तो रेस्ट पार्ट दोनों का क्या है, अलग है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 बस सिंपली क्या हो गया, 9। तो 36 और 81 का जब आप HCF निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं पैरेलली यहाँ पे और देखता हूँ, सपोज दैट कि आपको दे दे कि HCF ऑफ 48 एंड सपोज दैट आपको दे दिया गया 84, क्या दे दिया गया आपको 84 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अब देखिए हम लोग 48 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, राइट, क्या हो गया 2 इंटू 2 4, अब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48 हो गया। सिमिलरली हम लोग 84 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, अब 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, ऐसा लिख सकता है ना, राइट। 12 इंटू 7, अगर हमको 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 84, क्लियर है। अब यहां पे अगर अपने को HCF निकालना है तो अपने को क्या देखना है, कॉमन फैक्टराइजेशन क्या है, दोनों जगह क्या है, HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टराइजेशन। तो दोनों में देखिए कॉमन फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 दोनों जगह दिख रहा है, ये कॉमन है, 3 यहां पे भी और 3 यहां पे भी, तो दो चीज कॉमन है, बाकी अलग क्या रह गया, आपका 2 इंटू 2 यहां पे अलग है और 7 यहां पे क्या है, अलग है। तो जो आपका कॉमन फैक्टराइजेशन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन यहाँ 2 इंटू 2 यहाँ भी 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू क्या हो गया 2, और नेक्स्ट कॉमन क्या है 3 दोनों जगह इंटू क्या कर देंगे 3, तो 4 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 12। तो आपको पता होगा 48 और 84 का क्या हो जाएगा HCF 12। आप बेसिक मेथड से भी इसको चेक कर सकते हो, 48 है दिस इज योर 84 है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए, 48 दो टाइम्स में तो लगेगा नहीं, एक ही बार में लगाना पड़ेगा, दैट इज योर यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, तो यहाँ ध्यान बचेगा क्या, यहाँ देखो 14 है, 8 गया यहाँ पे 6, और यहाँ क्या बचा, ध्यान से देखो 7 में से 4 गया 3, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 48 को फिर से ले लेंगे, ये भी वन टाइम्स में ही लगेगा, कितना हो जाएगा 36, तो रिमाइंडर क्या होगा 12, और अब 36 को लगाएंगे 3 टाइम्स में 36, ये कट गया, राइट। तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट बच गया ये क्या हो जाता है आपका HCF, क्या हो जाता है HCF। ये आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है, तो उसी का हमने देखा ये एप्लीकेशन पार्ट से भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो आई होप यू गाइज कि जो आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये समझ में आया होगा, और इसका पहला एप्लीकेशन कि हम लोग LCM और HCF को कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीका होता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3 एंड रूट n, कोई भी नंबर हो अगर वो इरेशनल नंबर है तो उसकी इरेशनैलिटी को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको देखेंगे। गाइस स्टे ट्यून्ड।